राधे राधे सब लोग। तो गाइस आज हमारी किट्टी है और सुबह के इस वक्त 8:30 बज रहे हैं और फटाफट लंच रेडी करना है क्योंकि किट्टी में भी जाना है, नाश्ता भी तैयार करना है, अभी पूजा पाठ भी करनी है। तो मैंने सोचा पहले मैं कढ़ी चढ़ा देती हूँ, तो कढ़ी मैंने चढ़ा दी है और उसके तड़के के लिए मैंने प्याज व्याज सब चॉप करके रख लिए हैं और पकौड़े का मटेरियल भी मैंने तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं बाकी बचा हुआ कढ़ी का काम करूँगी। तो चलिए सबसे पहले पूजा वूजा करके फ्री होते हैं, फिर कढ़ी तो बनी रही है, फिर तड़का लगाएंगे और नाश्ते की तैयारी करेंगे साथ में। तो चलिए सारे मेंबर्स लगभग आ चुके हैं और कुछ कुछ लुक यहाँ का झोपड़ी वाला फील हो रहा है। यहाँ चल रहा है इनका हंसी मजाक। हेलो भाभी, हाय, जीती हो या नहीं? अभी तो ये स्लिप खेली जा रही है आज, आई थिंक आफ्टर या बिफोर खेला जाएगा इसमें। तेरी सूट में ज्यादा अच्छी आती है ना, हमने सूट ही पहना। तो गेम चला था हमारा और इस गेम में मेरा पति मुझे तक लिखा हुआ था, आगे हमें खुद फील करना है ये सारा। और ये नाइस गेम, खाने पीने की चीजें सब अपने आप खरीदती है। और इसमें जीता कौन है देखना जरा, पिज्जा मैं पतीला। थैंक यू नीरू भाभी, नीरू भाभी। तो गाइस किट्टी से आकर अपने घर की यूनिफॉर्म में आ गए जिसमें मैं सुबह थी और अब डिमांड पूरी करनी है बच्चों की, खाना तैयार कर गई थी, अब जूस की डिमांड है तो जूस बना रहे हैं। तो आकर सबसे पहले तो फटाफट रिलैक्स हुए, अब घर के काम में लग गए। लेकिन मज़ा आया किट्टी में, काफ़ी इंजॉय किया सबने, क्योंकि एक महीने के बाद आती है ये वाली किट्टी, फिर इसके बाद तो सत्संग वाली किट्टी होती है, तो कुछ बाहर जाने का मौका मिलता है, रेस्टोरेंट में जाकर फ्रेंड्स के साथ बैठने का मौका मिलता है, तो अलग मज़ा तो आता ही है। साथ मस्ती हो गई है, अब हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि कुंज ने आज कहा है कि मैं बंदरों को भगाऊंगा और कुंज सबसे आगे रहेगा, मैं सबसे पीछे, ठीक है? भागना नहीं है तेरे को। चल चलो बच्चों, बच्चा पार्टी, कम ऑन, बाहर आओ, बाहर आओ। सिंह आ गए हैं क्या? शेर सिंह सबसे आगे आगे चल रहे हैं। शेर सिंह डर तो नहीं लग रहा आपको? रुको रुको रुको, आपको कुछ डर लग रहा है? फील हो रही है। क्या हो रहा है? कितने बार मैं आराम से देखना, पहले बताओ क्या फील हो रहा है आपको? अंदर ऐसा फील हो रहा है। 1 2 3 4 डिनर में तैयार करने जा रही हूँ मैं एग बिरयानी, और एग बिरयानी के लिए मैंने, तो गाइस अंडे की एक ट्रिक है कि इसमें अगर सिरका डाल दिया जाए थोड़ा सा तो इसके छिलके बहुत इजी से उतर जाते हैं, तो मैंने इसमें हल्का सा सिरका डाल दिया है। और ये मेरे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और इन चावलों में मैंने खड़े मसाले डाल के, खड़े मसाले में आपका हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता और थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा नींबू, ताकि चावल अलग अलग बने, तो ये डाल के उबलने के लिए रख दिया। 90% इसको मैं उबाल लूँगी। अब इसके बाद मैं इसके लिए तड़का तैयार करती हूँ
मैंने लहसुन और अदरक कर लिया है, तो तड़का तैयार करते हैं। अनंत मेरी हेल्प कर रहा है अंडे छीलने में, उबले हुए अंडे छील रहे हैं सर जी। मेरे से टूट गया यार, हैं टूट गया, इसके चिपक के आ गया इसके साथ। कोई बात नहीं, अभी अभी मैं सही कर दूंगी, रुक जा। नहीं हो रहा है वाला। अरे कर दो सही, पहली बार तो कर रहा है काम। जब तक अनंत अंडे छील रहा है तब तक मेरा मसाला तैयार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ मैंने डाले थे खड़े मसाले थोड़े से, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में टमाटर की प्यूरी। बिरयानी तैयार है गाइस। तो गाइस डिनर कंप्लीट, और अब एडिटिंग करने का टाइम आ गया है। अब एडिटिंग करेंगे। एक रूम में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक रूम में पतिदेव टीवी देख रहे हैं, तो मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ एडिटिंग करने के लिए। तो आज हमारी किट्टी थी और हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, फ्रेंड्स के साथ काफ़ी मस्ती करी। तो और गेम बहुत अच्छा था किट्टी में, नया गेम था कि मेरा पति मुझे डैश डैश फिल करना है उसको। तो जो जो सबके माइंड में आया सब भरते चले गए, मेरे 10 मैंने सेंटेंस कंप्लीट किए, तो विनर मैं बन गई जीत गई। आज मैं पंचुअलिटी भी जीती, गेम भी जीती, और तबोला में काफ़ी पैसे भी जीत गई। कभी कभी किस्मत चल जाती है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करते रहिए। मिलेंगे कल के व्लॉग में, राधे राधे। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।